दोस्तों आज हम बात करेंगे फास्फोरस जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में। इसका 5000 से ज्यादा यूजेस है, लेकिन एक ही वीडियो में इतना तो बोल नहीं सकते। लेकिन जो मेन पार्ट है जो डेली लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे। हे एवरीवन, आई एम अनुष्योर, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है और गुच्छे में बाल, मतलब एक एक जगह बल्ट हो रहा है, गुच्छे में बाल निकल रहे हैं और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको यूज करना है फास्फोरस 200 CH पोटेंसी में, आपको होम्योपैथी शॉप से लाना है। और लाने के बाद आपको सिर्फ 4 ड्रॉप एक बार लेना है दिन में, और 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। उन्हीं में ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा, डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और हेयर फॉल का। किसी किसी का होता है हेयर फॉल तो हो रहा है, उसके साथ साथ उसका जो डैंड्रफ है वो मतलब बिल्कुल चिपका हुआ सा है और हेयर में बिल्कुल चिपक के रह रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है और खुजली भी हो रहा है, खुजली कर रहे हो तो फिर नाखून के साथ उतना आपका डैंड्रफ निकल रहा है, तो उसमें भी आप फास्फोरस 200 4 ड्रॉप करके सिर्फ एक बार दिन में आपको लेना है, 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लेना है। उन्हीं में ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। और कोई अच्छा सा शैम्पू जिसमें भी केमिकल्स ना हो और पैराबीन, सल्फेट, ये सारी चीजें ना हो, इस तरह का कोई शैम्पू यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि बायोटिक का शैम्पू है जो केमिकल फ्री शैम्पू, और मम्मा अर्थ भी निकाले हैं, लेकिन मम्मा अर्थ अभी मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने बायोटिक का किए हैं और सीटाफिल का किए हैं बेबी शैम्पू, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। दांत में कैविटी था, दांत निकाला, उसके बाद खून आपका बंद नहीं हो रहा, घर आए हो और उसके बाद भी आप घर आने के बाद भी खून स्टॉप नहीं हो रहा है, निकलते जा रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए फॉर इमरजेंसी मेडिसिन आप फॉस्फोरस 200 सिर्फ 3 से 4 बूंद एक बार लेंगे तो आपका जो खून निकल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ये किडनी का प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। जिन लोगों को किडनी खराब हो गया है या किडनी में कोई सूजन आ गया है, और अगर यूरिन टेस्ट करा तो यूरिन टेस्ट में देखा जा रहा है कि प्रोटीन भी निकल रहा है, आप जो भी खा रहे हो प्रोटीन वगैरह जो बॉडी के लिए जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन के साथ निकल रहा है, तो आप फॉस्फोरस 30 CH पोटेंसी में लाइए और 3 से 4 ड्रॉप एक बार दिन में 3 बार लेंगे, उस दिन तक लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगा और जो प्रोटीन आपका पूरा निकल रहा है यूरिन के साथ वो भी स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट में पेन होता है और एल्बो जॉइंट में पेन होता है, कोई भी भारी चीज आप उठा नहीं पाते हो, तब भी आपको फास्फोरस आप तब यूज कर सकते हो। 200 CH पोटेशियम आपको लाना है और 3 से 4 डोज सिर्फ एक ही डोज आपको लेना है, कुछ दिन तक लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, शोल्डर पेन भी ठीक हो जाएगा, एल्बो पेन भी है, अगर है जॉइंट्स पेन है तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। खाना खाने के बाद भी ऐसा पेट खाली खाली सा लगता है, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम है तो भी आप इसमें फास्फोरस 200 एक डोज लेंगे, एक डोज मतलब 3 से 4 ड्रॉप एक बार लेंगे और हफ्ते में एक बार करके कुछ हफ्ता तक लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका इतना सारा गुण है कि एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा वो है फास्फोरस पार्ट 2। इस तरह का और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, एक लाइक करना है। मैं अनुष्योर, फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।